बिहार अपनी मनोरम प्राकृतिक सुंदरता और अपने स्वर्णिम इतिहास का एक जीवंत उदाहरण है। कला, संस्कृति और परिश्रम की आभा से उज्जवल ये राज्य कई कारणों से आर्थिक विषमताओं से जूझता रहा है। आज विकास की दौड़ में पीछे रह गए इस राज्य के जिलों की महिलाओं ने अब निरक्षरता की कालिमा को धो डालने की ठान ली है। मेरा नाम किरण कुमारी है, मैं इस केंद्र का बेटी हूँ। मैं इन लोगों को शपथ ली थी कि साक्षर बना के दिखाऊंगा, लेकिन पूर्ण तरह से मैं इन लोगों को साक्षर बना दिया हूँ। मेरा नाम कुमारी स्वाति शाह है और मैं यहाँ की बेटी हूँ, फारबिसगंज के। लोग लड़के को पढ़ाना पसंद करते हैं, लेकिन लड़कियों को पढ़ाना पसंद नहीं करते। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो लड़की या लड़का में किसी तरह का कोई फर्क ना करे और उसे उस अनुसार से शिक्षित करे। अनपढ़ होके मरने से अच्छा है कि हम साक्षर हो जाएं और माँ बहनों को भी साक्षर बना दें, ताकि कोई हमें और हमारे समाज को ना ठग सके। पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक फैले बिहार के 15 ऐसे जिले हैं जहां 2001 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर 30% से भी कम है। इन 15 के 15 जिलों में विशेष साक्षरता योजना को महसूस किया गया। मेहनत, मशक्कत और हर एक मुश्किल को अपना सरमाया बना चुकी इन जिलों में 15 से 35 आयु वर्ग की लगभग 30 लाख महिलाएं निरक्षर थीं। इनमें से ज्यादातर पिछड़े वर्ग व मुस्लिम समुदाय की थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत साक्षरता कार्यक्रम देश भर में 1988 से ही चलाए जा रहे हैं। ये पूरी व्यवस्था एक विशेष प्रबंधात्मक संरचना के तहत राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के सभी साक्षरता स्रोतों को एक साथ जोड़ती है और ये तालमेल एक नए जोश को जन्म देता है। साक्षरता के महत्व को समझाने और विकास की दौड़ में सबसे पीछे छूट गए एक निरक्षर तक साक्षरता प्रसार को पहुंचाने के लिए शुरू से ही कई प्रचार माध्यमों का प्रयोग होता रहा। बिहार की कठिन परिस्थितियों का अध्ययन कर यहाँ की जिला साक्षरता समितियों के सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन व राज्य जन शिक्षा निदेशालय ने 12 माह के भीतर यहाँ की महिला साक्षरता दर बढ़ाने के लिए जनवरी 2003 से एक विशेष कार्य योजना की शुरुआत की। ये यहाँ की अत्यंत पिछड़ी और हताश मेहनतकश महिलाओं के लिए एक नई शुरुआत थी। जिला प्रशासन व जिला साक्षरता समितियों द्वारा सर्वप्रथम संबंधित जिलों में 15 से 35 आयु वर्ग की महिलाओं का सर्वेक्षण किया गया। इसी दौरान उन शिक्षित बालिकाओं व महिलाओं का भी चयन किया गया जिन्होंने स्वयं सेविकाओं के रूप में साक्षरता के प्रकाश को फैलाने का बीड़ा उठाया। इस अभियान को और सशक्त करने के लिए पुरुषों व नवयुवकों का भी सहारा लिया गया। धरती में गर्वा पड़ले बनी सब आते देखिये हम सौ लिख देने ठीक बा। बाद बगल में कोची भाई लिख देनी। अच्छा ऊपर कौन सी बा दीर्घाई लिखा गए कौन सी हो गए सखी।
सखी के मतलब समझ लगी सहेली सहेली हां मैंने सब बातें मेरा नाम विजय कुमार सोनिया, मैं पीनीबाग बसोरिया का रहने वाला हूं। मैं साक्षरता केंद्र चलाता हूं, मैं भी एक ड्यूटी हूं। और जो मेरे जो, मतलब कि जो मुझसे पढ़ते हैं वो गरीब महिलाएं हैं तथा अशिक्षित हैं। अलग अलग श्रेणियों में बटे इन स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण कार्यशालाओं में महिला साक्षरता कार्यक्रम के लिए तैयार की गई विशेष सामग्री द्वारा किया गया। मुख्य स्रोत व्यक्ति मास्टर ट्रेनर तथा वॉलंटरी टीचर्स की ट्रेनिंग विभिन्न स्तरों पर करवाई गई। मुख्य स्रोत व्यक्तियों को प्रौढ़ शिक्षा राज्य संसाधन केंद्रों द्वारा प्रशिक्षित किया गया। फिर इन स्रोत व्यक्तियों द्वारा मास्टर ट्रेनर्स व मास्टर ट्रेनर्स द्वारा वॉलंटरी टीचर्स को प्रशिक्षित किया गया। हम थोड़ा सा आपको याद दिलाने के लिए इस चरण को हम बता रहे हैं, आपको याद आता जाएगा और आपको ताजा होता जाएगा। पहला चरण क्या था? भूमिका वातावरण चर्चा का माहौल बनाया जाए, इसके लिए क्या करेंगे हम? चित्र पर चर्चा। इसके बाद क्या करते हैं? पढ़ने के लिए आने वाली सभी निरक्षर महिलाओं के लिए 3 सरल पाठ्य पुस्तकों का 2 भागों में समावेश करके किताबों की वितरण प्रणाली को आसान बनाया गया। जरूरत के मुताबिक हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं की किताबों का प्रबंध किया गया। प्रत्येक साक्षरता केंद्र पर 10 से 15 महिलाओं व बच्चियों के पढ़ने की व्यवस्था की गई। दिन भर की मेहनत और थकान के बाद पटसन के खेतों से लौटकर ये महिलाएं व बालिकाएं एक दिन भी साक्षरता केंद्र जाना नहीं भूलती। इनकी हिम्मत भी रात के गहरे अंधेरे में टिमटिमाते इनके पढ़ने के दीपकों की तरह ही कायम है। भाभी अब क्या आपको पढ़ने में अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। इन केंद्रों में बच्चों वृद्धों और महिलाओं की उपस्थिति भी देखने में आती है। ये सचमुच शिक्षा के प्रति लगाव और बदलाव का ही प्रतीक है। सबका परिवार, सम्मान परिवार, रहमान का परिवार। मेरा नाम संगीता भारती है, मैं बीटी हूँ, मैं इस गांव के रहने वाली हूँ। साक्षरता में सभी औरतों को पढ़ाती हूँ शाम और सवेरे में, जिस टाइम मिलती है उस टाइम में पढ़ाती हूँ। धमक धरती राम की धरती, राम की धरती रहीम की धरती, रहीम की धरती राधिका की धरती, राधिका की धरती। मेरे नाम उमा देवी और मैं भीटी हूँ। इन लोगों को आप कोई ठक नहीं सकते हैं। अपना पता नाम और आगे बढ़ करके ये लोग दिखाएगी कि हम लोग निरक्षर से साक्षर हो गए हैं।
साक्षरता के इस कार्यक्रम को हर एक जनमानस तक पहुंचाने के लिए वातावरण निर्माण से जुड़े हुए कई नए नए प्रयोग किए गए हैं। इनमें गांव व देहात के लोगों ने स्वयं ही गेरू व नील के रंग से घर और खलिहानों को अक्षरों, शब्दों व चित्रों से अलंकृत किया। यही नहीं, धार्मिक समुदाय के व्यक्तियों ने भी इस कार्यक्रम को धार्मिक व सामाजिक रूप से मान्यता दी है और इसमें पूरा पूरा सहयोग भी दिया है। सारे इमाम अपने अपने खुतबे के दौरान एक मिनट दो मिनट अगर इस तरह का तकरीर कर देंगे तो जितने मुसल्ली जितने मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए आते हैं उनको ज़रूर इस बात की फिक्र होगी कि हम अपने घरों में हमारी बच्ची बच्चियाँ जो अनपढ़ हैं और जो VT MT आते हैं पढ़ाने के लिए टाल देते हैं कि हम नहीं बैठेंगे नहीं पढ़ेंगे, तो घर के गार्जियन भाई बाप अगर अपने बच्चियों को कहेंगे तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि इमाम के बात का उन पर हमारे माहौल के अंदर हमारे समाज के अंदर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अपने ऊपर हम सब ने जिम्मेदारी को लागू कर लिया कि हर जुमे में जहाँ हज़ारों का मजमा बड़ी बड़ी मस्जिद में मौजूद होता है उसमें ज़ोर शोर से इस तालीमी अभियान को बच्चियों के लिए ख़ास तौर से चलाया जाए तो इसका बड़ा असर हो रहा है और बड़ी बेदारी आ रही है और अल्लाह का फजल है कि कौमी इमामों से बहुत ताल्लुक़ रखती है इसलिए इसका असर बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब फिर आज की बैठक से हम लोग अपना जहन बनाते हैं कि इंशाअल्लाह भरपूर इसमें मेहनत करेंगे और कौम को इस तरफ लाने की कोशिश करेंगे। और इस तरह मस्जिदों से निकली इमामों की इन अपीलों ने भी अपना प्रभाव दिखाया और ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम निरक्षर महिलाएं साक्षरता की कक्षाओं से जुड़ती चली गई। मेरा नाम अंजुमन आरा है, मैं गयारी सिसोना केंद्र में पढ़ाती हूँ। जब मैं बचपन में पढ़ रही थी तो सब लोग कह रहे थे और बहका रहे थे कि तुम क्या पढ़ती हो, लड़की होकर मत पढ़ो। मैं नहीं छोड़ी, मैं बहुत मुश्किल से पढ़ाई हासिल की तो मुझे पढ़ाई हासिल करने की वजह से भी बहुत खुशी और मसरत हो रही है और इसीलिए हम दूसरों को पढ़ा रहे हैं कि वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ पढ़ ले और जाहिल न रहे, पढ़कर अपने बाल बच्चों को भी पढ़ाए। इसी प्रक्रिया के दौरान एक नया प्रयोग और किया गया। पंचायती राज की हर आयु वर्ग की जन प्रतिनिधि महिलाओं को साक्षर करने के लिए 10 दिनों के लिए आवासीय शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में शिक्षा के साथ साथ विकास संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध कराई गई। इस शिविर की समाप्ति पर हर महिला की वास्तविक व भौतिक प्रगति का ब्यौरा उसके साथ जुड़ी स्वयं सेविका को पहुंचाया गया। एक लाठी रंगकर कहा छोटो से बच्चा से लाठी तिरछो से फिर एक सुतौवा लाठी एक लाठी खड़ा ई धागली पूरा पर से फिर एक सुतौवा लाठी डालली ई धागली की मो को लिखे खातिर एक गोल धने रोटी बगला में लाठी फिर आधो रोटी ग्राम डालली मिला दिली ऊपरा पर से लाठी डालली धागली की तो नौ बच्चा लाठी छोटो से तिरछोज में लाठी और बाद फिर सुतौवा की लाठी और बाद खड़ा लाठी बगला में उपरा पर से लाठी सुतौवा डाल दी की मिली नौ। मेरा नाम है मोहम्मद इसराइल, हम मराड़िया प्रखंड के प्रखंड सचिव हैं, साथ ही साथ जिला के KRP हैं। जो महिला जनप्रतिनिधि जो हमारे यहाँ अभी आए हुए हैं उनको हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। उनके साथ साथ हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जितनी भी जानकारी है इन महिलाओं को देते हैं। इस शिविर में आई अधिकतर महिलाओं ने इस दौरान अपनी साक्षरता उपलब्धि के साथ साथ
अपने कार्य दायित्व को समझकर साक्षरता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। पार्वती देवी नाम है मेरा और हियातपुर पंचायत से दो नंबर वार्ड से मैं आया। पहरने से मान लिए कौन चीज गांव में तो कोई चीज दिलिए न तो उसने का बात का कनी जब साक्षरता में लिए तो जरूर पूछते कि मान लिए साक्षरता तो आप चले आल तो आप हम लोग को भी कनी पढ़ावे कोशिश करो। हमारा नाम आसिया देवी है। हम थंदर देवी पंचायत का सदस्य है एक नंबर वार्ड से। हमको बहुत कुछ फायदा हुआ। हम नहीं जानते हैं वार्ड लिखने लिए पंचायत लिखने लिए सदस्य हम नहीं जानते सब चीज़ सीख लिए। पढ़ाई से फायदा हुआ हमको कि कुछ पढ़ाएंगे लोग को सिखाएंगे अपना वार्ड का लोग को समझाएंगे वार्ड को बढ़िया तरीका से चलाएंगे। मेरा नाम सदारा थानम सम्मी है। हम पीआरआई कैंप में हम लोगों ने पढ़ाई की अपनी बहनों के साथ में और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला हमें जो हम लोग आज तक नहीं सीख पाए थे वो इस कैंप में आने के बाद हम लोग सीखे। हम चाहते हैं कि हमारे समाज में जो अनपढ़ महिलाएं रह गई हैं जो हमारे यहाँ पर्दा प्रथा है मुस्लिमों में बहुत ज़्यादा इनकी वजह से और भी बहुत कारणों से बच्चियों को स्कूल नहीं पढ़ने खास के महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता है तो मैं चाहूँगी कि मैं यहाँ से जाने के बाद उनमें जागरूकता लाने का काम करूँगी। बिहार की पश्चिमी सीमा पर बसे किशनगंज जिले में महिला साक्षरता दर 18.49% है। ये देश की न्यूनतम महिला साक्षरता दर है। जिला साक्षरता समिति का अध्यक्ष होने के नाते जिलाधीश की साक्षरता कार्यक्रम में अग्रणी भूमिका होती है और अपने इस दायित्व को यहाँ के जिलाधीश ने बखूबी निभाया है। केंद्रों का दौरा करना उनके प्रमुख कार्यों में से ही एक कार्य है। साक्षरता कार्यक्रम लगभग 4 महीने के पहले हम लोग शुरू किए थे। इस जिला है बहुत ही पिछड़ा है, खास करके है मुस्लिम समुदाय है, बहुत है, मेजॉरिटी है लगभग 70%। लेकिन साक्षरता कार्यक्रम के बाद है आप है गांव-गांव में जाकर देखिएगा, पता चलेगा महिला लोग खास करके है इसमें कार्यक्रम में साक्षरता में बहुत इच्छा लेते हैं और बहुत आगे बढ़ा है। जिला साक्षरता समितियों को बिहार के राज्य संसाधन केंद्रों आद्री व दीपायतन के अतिरिक्त दिल्ली, इंदौर, भोपाल, जयपुर व शिमला स्थित राज्य संसाधन केंद्रों का भी सहयोग मिला। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अधिकारीगण भी यहाँ के क्षेत्रों का निरीक्षण करते रहते हैं। एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ते हुए हर एक कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी को एकत्रित करके केंद्र निरीक्षण पर विशेष बल दिया गया है। इसमें जिलाधीश से लेकर मुखिया व वार्ड सदस्य और मुख्य स्रोत व्यक्ति से लेकर प्राथमिक शिक्षक व स्कूली बच्चों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं इश्तियाक आलम जिला परिषद अरिया का सदस्य हूँ। मैं साक्षरता को आगे बढ़ाने के लिए अपने 8 पंचायतों में 42 केंद्र चला रहा हूँ जिसमें एक केंद्र रेड लाइट एरिया में चल रहा है। मेरे अधिकांश केंद्रों में प्रथम भाग समाप्त होने पर है। मैंने माननीय जिला पदाधिकारी अरिया से भी अनुरोध किया हूँ कि वे केंद्र पर चलकर मेरे केंद्रों की समीक्षा करें। देखिए अररिया जिला जो है एक बिहार के जो है ना काफ़ी पिछड़े जिला में गिना जाता है और कुल 24 लाख आबादी में हमारी साक्षरता की जो प्रतिशत है काफ़ी कमी है और जहाँ तक महिलाओं की जो साक्षरता है जो 15 जिला जो आइडेंटिफाई हुआ है उसमें अररिया भी एक है और ये कार्यक्रम काफ़ी हद तक जो है ना इस जिला में सफल हुआ है। जो प्रगति हुई है उसमें हमको काफ़ी संतोष। जब साक्षर होंगे तभी जागरूक होंगे, जब जागरूक एवं साक्षर होंगे तभी उनके गांव का या अपना विकास संभव होगा। मेरा नाम जवाहरलाल चौधरी है और मियाँपुर तिरंगई पंचायत का निवासी है और यहाँ के MP के रूप में हम कार्य कर रहे हैं। बराबर इन केंद्रों का मैं दौरा करता रहता हूँ जहाँ पर
हमारे बेटी बंधु लोग उन लोगों को पढ़ाने में कहीं कमजोर पाता हूँ, उन लोगों को पढ़ाने की शैली को बतलाता हूँ। मैं तलतारा नगर परिषद के वार्ड नंबर 12 के वार्ड कमिश्नर हूँ। मैं TLC में बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ और अब भी मैं, मुझे बचपन ही से शिक्षा से लगाव था, इसलिए मैं बहुत पहले मैट्रिक के बाद ही एडल्ट एजुकेशन में लड़कियों को पढ़ाती थी और बाद में जब किशनगंज आई तो यहाँ मैं TLC से जुड़ गई और पहले यहाँ मैं DTF थी, अब बाद में फिर नगर परिषद में जब आ गई तो मैं मुस्लिम महिलाओं की 32 लड़कियों औरतों का एक टीम बनाई, फिर बाद में नन मुस्लिम महिलाओं का भी टीम बनाने के बाद इसको चार ग्रुपों में बांट दी हूँ और 8-8 ग्रुप लेकर हम लोग सभी क्षेत्र भ्रमण में निकलते हैं और हमारे DM साहब की मदद से हम लोग अपने ज़िले को, जो किशनगंज जिला माइनॉरिटी ये जिला है, यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, ये ज़िला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा हुआ है, लेकिन अब DM साहब की मदद से और हम लोगों की क्षेत्र भ्रमण के वजह से मुस्लिम महिलाओं में काफ़ी जागृति आई है और बहुत सारी महिला शिक्षा को अपना मुद्दा बनाकर आगे बढ़ रही हैं और हम लोगों की मदद कर रही हैं। हर वर्ग और धर्म का व्यक्ति तथा महिला आज कंधे से कंधा मिलाकर निरक्षरता के इस अभिशाप को खत्म करने के लिए तत्पर है। मेरा नाम है फादर जोस। इस जिला में रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट समाज शिक्षा विकास केंद्र नाम के एक सेंटर है, मैं उसी में रहता हूं और उसका निदेशक हूं। अभी जो संपूर्ण साक्षरता अभियान जो इस जिला में चल रहा है उसी में हम लोग पूर्ण रूप से सहयोग दे रहे हैं। मैं हिंदी से MA पास हूं और इतिहास से भी MA पास हूं। 1961 और 63 में MA पास की मैंने और पास करने के बाद समाज में मैं उतरा और उसी समय मैंने यह ठान लिया कि मेरे देश के अंदर और मैं जहाँ भी हूँ वहाँ तो वहाँ से मैं शिक्षा की जगत को उठाने के लिए, निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए मैंने संकल्प ले लिया। बिना भुगतान के कार्य करने वाले इन वॉलंटियर टीचर्स को उनकी कार्य निष्ठा के अनुसार राष्ट्रीय, राज्य व जिला स्तर पर सम्मानित करने की योजना भी बनाई गई है। उत्कृष्ट केंद्रों को अतिरिक्त पुस्तकें प्रोत्साहन के रूप में दी जाएंगी और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत इन केंद्रों में स्वयं सहायता समूह भी बनाए जाएंगे। अब निरीक्षण दलों के प्रगति प्रपत्र क्षेत्र निरीक्षण करके बनाए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य कार्यक्रम की समस्याओं को उजागर कर उनका मार्गदर्शन करना है। आज आंतरिक मूल्यांकन अधिकांश जिलों में प्रारंभ हो चुका है, कुछ ही समय बाद बाहरी मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और फिर साक्षरता कार्यक्रम के अगले चरण का शुभारंभ होगा। हर सुबह मेहनत और गरीबी से जद्दोजहद करती इन महिलाओं और बच्चों की हिम्मत टूट ना सकी। पिछड़ी जाति की ये मुस्लिम लड़की रुखसाना, जो दिन भर दूसरों के घरों में सफाई का काम करती है, शाम को घर पहुंचने पर सबसे पहले अपनी किताब निकालती है। मुश्किल रास्तों से दौड़ती भागती ये लड़की हर शाम केंद्र तक पहुंचने से नहीं चूकती। क्यों लेट आई हो? काम करने गई थी इसीलिए लेट हो गया था। उन लोगों से तुम बोली थी नहीं कि मैं पढ़ने भी जाती हूँ? उन लोग से बोली थी पर वो लोग हंसता है रो। वो बहुत सारे मेहमान लोग आए थे, लोग बच्चे थे लोग, अब इसीलिए काम में लेट हो गया था। वो हंसते हैं तो तुम डर जाती हो? हम उन लोग से नहीं डरते हैं। क्यों डरेंगी उन लोग से? पढ़ना लिखना जान गए, मैं किसी से क्यों डरूंगी? वाह शाबाश। नया, नया, समाज बनाए।
महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान की मुक्ति स्त्रियों की उन्नति में निहित है। आज रोजमर्रा की मुश्किलों से जूझती इन साधारण महिलाओं ने सिद्ध कर दिया है कि वे न केवल अपने परिवार या गांव बल्कि पूरे देश के भविष्य को साक्षरता द्वारा उज्जवल करने के लिए कटिबद्ध हैं। आज यहां की हर महिला दूसरी निरक्षर महिला को साक्षरता की दहलीज तक लाने के लिए हर गांव, गली और कूचे पर निकल आई है। यही आज इनकी हकीकत है और यही है इनके कल के सुनहरे भविष्य की जमानत। करो मेहरबानी अहले जमी पर, खुदा मेहरबान होगा अरशे बड़ी पर। जय हिंद, जय भारत, जय साक्षरता।